हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, हैलोजन हैव हाईएस्ट इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हैलोजन है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव क्यों होती है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन इज हाईली नेगेटिव, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP5 एंड दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस दैन द नॉबल गैस कन्फिग्रेशन एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब जो हैलोजन्स है आप यहाँ पे देख रहे हो, हैलोजन्स इसकी -141 है, यहाँ पे -328, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, बहुत ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है NS2NP5 है, तो इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल पूरा करने के लिए, इसलिए जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है और उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या ज़्यादा नेगेटिव है। सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर पॉजिटिव व्हाइल दोज ऑफ बेरीलियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर ऑलमोस्ट जीरो, कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हमारे पास जो नोबल गैसेस है इनकी पॉजिटिव क्यों है, और बेरीलियम की हो गया, मैग्नीशियम की है, नाइट्रोजन की, इनकी जो नेगेटिव गेन एंथैल्पी है वो जीरो क्यों है। हाँ जी, उसका रीज़न है कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज आर पॉजिटिव, दिस इज बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP6 एंड दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स अगर इनको, कि इनका जो शेल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम्प्लीटली है, और इनमें क्या है जो एडिशनल कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इनकमिंग मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है अगर उसमें हम ऐड करते हैं तो वो किस में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है एंड डज नॉट फील एनी अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस से कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं करता, देयरफॉर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फोर्स द इलेक्ट्रॉन इन द एयर एटम एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव, इसलिए हमें एनर्जी वहां से लगानी पड़ेगी ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को इसमें एंटर करवा सकें, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6, तो ये क्या है कम्प्लीटली फील्ड, कम्प्लीटली फील्ड क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, तो अगर हम इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो किस में जाएगा 2p6 3s1, मतलब वो किस में जाएगा, नेक्स्ट क्वांटम, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स नेक्स्ट एनर्जी लेवल। तो अगर नेक्स्ट एनर्जी लेवल में हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है, देन वी सप्लाई एनर्जी, हमें एनर्जी को क्या करने पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास कहते हैं कि जो हमारे पास बेरीलियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन और फास्फोरस है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो क्यों है, देखो जीरो है ना, तो इनकी एंथैल्पी गेन जीरो क्यों है, बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फील्ड 2s 3s ऑर्बिटल, बेरीलियम में 2s2 ऑर्बिटल कम्प्लीट है, मैग्नीशियम में 3s2 ऑर्बिटल कम्प्लीट है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस में हाफ फील्ड फील्ड है, देयरफॉर दे कन्फिग्रेशन हैव लिटल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी कम्प्लीटली फील्ड कन्फिग्रेशन है इसलिए इनकी लिटल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जिस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब जीरो के करीब है, ठीक है। इस चीज़ को हम आप जैसे देख सकते हैं, जैसे बेरीलियम क्या है एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 ये कंप्लीट हो गया, फास्फोरस का है 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो ये क्या हो गया, फुल्ली फील्ड s ऑर्बिटल है, और ये क्या है हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है, एंड दे हैव लिटल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम है,
therefore have almost zero electron gain enthalpy. ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट कि वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन से कम क्यों है। अब यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, -328 और क्लोरीन की कितनी है, -349। तो इनकी वाई फ्लोरीन हैज लेस वैल्यू, तो उसका रीजन है द लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। जो फ्लोरीन है उसका साइज क्या कम है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मॉल साइज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द रिलेटिवली कम्पैक्ट टू पी सब शेल ऑफ फ्लोरीन एंड देयर फॉर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो डज नॉट फील मच अट्रैक्शन। मतलब फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्लेस है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड सेम एंड वी नो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अगर सेम चार्ज रिपेल करेंगे तो उस वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्या कम है। आप देख सकते हो इसकी कम है, हम इसका रीजन ये भी कर सकते हैं। तो जो सेकेंड पीरियड है, दिस इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ एटम ऑफ द सेकेंड पीरियड विच वुड प्रोनाउंस लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। बट अगर हम क्लोरीन के केस में कहें, क्लोरीन का साइज क्या बड़ा हो जाता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या ज़्यादा रिपल्शन फील नहीं होती, इस वजह से जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कम है।